मेरा बेटा डॉक्टर का सीधा है, मतलब 8 महीने से जेल में है। हम लोग बहुत परेशान हैं, ना सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। उसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको रिहाई मिले। डॉक्टर कफील अहमद जो बच्चों को बचाने के लिए पूरी रात दौड़ते रहे, अपनी कार से गोरखपुर शहर में पूरी रात ऑक्सीजन तलाश में घूमते रहे, अपनी कार में सिलेंडर लाद कर लाए, अपनी जेब से पैसा खर्च कर सिलेंडर की व्यवस्था की। गोरखपुर का हीरो आखिर विलन कैसे बन गया, क्यों बन गया, विस्तार से आपको आगे बताएंगे। अब तक हीरो साबित हुए बाल रोग विभाग के अध्यक्ष जो डॉक्टर है उनको निलंबित कर दिया गया। पिछले 48 घंटे में गोरखपुर में 36 मासूमों की जान चली गई और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी हुई है। बार बार सवाल किए खड़े किए जा रहे हैं। डे बाई डे और जब भी हम लोग जाते हैं कोर्ट में तो एक एक डेट दी जाती है और एक एक मंथ की हियरिंग होती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी 8 महीने से क्यों बेल नहीं हो रही, क्यों फंसा कर रखा गया, जबकि वो नोडल ऑफिसर थे जिनको सिर्फ काम सैलरी और अटेंडेंस लेने का होता है, उनको ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं होता है। तब भी उन्होंने ऑक्सीजन की जब वो सिलेंडर उन्होंने ला के रखा, उन्होंने उसकी हेल्प की, ऑक्सीजन सप्लाई से मतलब जो कम हुआ था उन्होंने कर दिया, उसके बाद उन्हें बचा और जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो सप्लायर था उसको बेल मिल गई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेन कल्प्रिट था, जो जिसने ऑक्सीजन सप्लाई रोकी उसको बेल मिल गई, और जिसने जब ऑक्सीजन की कमी हुई जो जम्बू सिलेंडर ला के जिस इंसान ने उसको मतलब ऑक्सीजन की कमी को ख़त्म किया उसको अभी तक बेल नहीं मिली। इन्होंने पूरी मदद की थी जब बच्चे को ऑक्सीजन कमी हो गई थी। हाँ ये नहीं मानती, ये बस मैं नहीं कह रही कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही बच्चे मरे हैं, इंसेफ्लाइटिस से ही मरे हैं, और भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं जब बच्चे लास्ट में आते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम होती है और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उनकी बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हुई लेकिन जब इन्होंने जम्बो सिलेंडर सबका इंतजाम किया तो बच्चे बच गए, उसकी कमी से नहीं इतने बच्चे मरे, लेकिन जो और भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन से बच्चे आते हैं उनको भी इंक्लूड करके इनको फंसाया गया। और 8 मंथ हो गए अभी तक बेल का कुछ पता नहीं और किसी की बेल नहीं हो रही, और जो मेन सप्लायर था उसकी बेल हो गई। मुझे फंसाया जा रहा है एकदम समय से, आपकी सेहत भी खराब है, जब उनको गर्व कर रहे हैं भेजेंगे, अरे बात करना चाहिए, करने की क्या चीज़ है, पेमेंट नहीं चलेंगे।